उबर और करीम की गाड़ियों पर टैक्सी लोगो लगाया जाए। सीटीओ कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक का सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को खत। उबर और करीम पर चलने वाली गाड़ियों के फ्रंट और बैक पर टैक्सी लोगो आवेजा कराया जाए। पंजाब असेंबली में शहर के मास्टर प्लान में तब्दीली की गूंज। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक। लीगी रहनुमा शेख अलाउद्दीन कहते हैं शहर की हदूद को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। रिहायशी इलाकों में कमर्शियल प्लाजे बन रहे हैं। लाहौर के मास्टर प्लान का ताले आजमाओं ने बेड़ा गर्क कर दिया। वजीर कानून राजा बिशारत बोले, माजी में इदारों को घर की लौंडी बनाकर रखा गया, सरकारी जमीनों की बंदरबांट की गई, शहर की असल शक्ल में बहाली के लिए इकदाम किए जाएंगे। मेट्रो ट्रेन मंसूबा खजाने पर बोझ। 10 अरब रुपए सिर्फ माहाना अखराजात के लिए दरकार। हुकूमत 120 अरब रुपए सालाना के बोझ की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान एक मरतबा फिर मंसूबे के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं खाली खजाने के साथ ऐसे चौंचलों को कैसे चलाया जा सकता है। शाहाना फैसले करने वालों ने पंजाब के अवाम के साथ जुल्म किया। मंसूबा मुकम्मल करने के अलावा कोई चारा नहीं, कम से कम नुकसान की कोशिश है। मेट्रो रूट पर बस मेट्रो ही चलेगी। हुकूमत का मेट्रो के रूट के मतवाजी तमाम रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करने का फैसला। मतवाजी रूट्स पर चलने वाली बसों को दीगर इलाकों में मुंतकिल किया जाएगा। स्पीडो बस के मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। स्पीडो बस सर्विस में अब नकद किराया भी अदा किया जा सकेगा। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने स्पीडो बस सर्विस में नकद किराया अदा करने की सहूलत दे दी। गवर्नर ने गवर्नर हाउस खाली कर दिया। सिक्योरिटी एहलकार अभी भी 100 से ऊपर। गवर्नर पंजाब की सिक्योरिटी पर 111 सिक्योरिटी एहलकार तायुनात। दो रिहायशगाह पर 109। गवर्नर हाउस में वजीर आला के घर सिर्फ 4 तायुनात। स्पीकर पंजाब असेंबली के घर 1। मुतअद्दिद विफाकी और सूबाई वज़रा के घरों पर 2-2 एहलकार तायुनात। ऐवान में VIP सिक्योरिटी बारे रिपोर्ट पेश। 4 लाख बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। पेफ पार्टनर्स स्कूलों को मुआवजा की अदायगियां रुक गई। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का 1 फरवरी से सुबह भर में एहतजाज का ऐलान। सदर एफसा मियां शब्बीर हाशमी कहते हैं पेफ स्कूलों को हर माह की 10 तारीख तक अदायगियां यकीनी बनाई जाए, पैसे ना मिले तो तालीमी निजाम ठप हो जाएगा। मजदूरों का हर 6 माह बाद तिबी मुआयना करवाना लाजिम मलजूम होगा। मुआयना करवाने के तमाम अखराजात मालिक या इदारा खुद बर्दाश्त करेगा। किसी फैक्ट्री में मशीनों की तब्दीली की भी इजाजत लेना होगी। तहफ्फुज़ ना करने वाले फैक्ट्री मालिक को कैद और जुर्माने की सजा होगी। हुकूमत का वर्कर्स तहफ्फुज़ और सेहत की बेहतरी के लिए एक्ट बनाने का फैसला। बिल पंजाब असेंबली के इजलास में जल्द पेश किए जाने का इम्कान। शेल्टर्स होम्स मंसूबे में तीसरी बार तब्दीली। लागत 29 करोड़ से बढ़कर 92 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। रेलवे स्टेशन और दाता दरबार पर शेल्टर होम्स 1 के बजाय 2 कैनाल पर तामीर किए जाएंगे। लाहौर न्यूज ने उठाया शहर को चमकाने का मिशन। लाहौर न्यूज की निशानदेही पर सफाई की निगरान कंपनियां शहर की सफाई सुथराई में मसरूफ। शादरा एबट रोड और गुलशन रावी से गंदगी के ढेरों का सफाया। अरसा से जमी धूल धो दी गई, सड़क चमचमा उठी। MD LWMC फरुख कयूम बट का रोड को मॉडल रोड बनाने का ऐलान। आपकी खिदमत में लाहौर न्यूज एक कदम और आगे। अगर गंदगी और तापमान से आपका इलाका कचरा कुंडी बन चुका, कूड़े और गंदगी की फौरी फुटेज या तस्वीर बनाएं और भेज दें लाहौर न्यूज के इस नंबर पर 03444450192। हम आपकी आवाज पहुंचाएंगे अरबाब इख्तियार तक। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान मुजदार का पंजाब भर में अफसरान को खुली कचहरी लगाने का हुक्म। DPO और DC मुश्तरका खुली कचहरी में आवाम के मसाइल सुनेंगे। जुम्मे के रोज 10 से 12 तक खुली कचहरी का इनेकाद किया जाएगा। मरासला जारी कर दिया गया। मीडिया को भी शुतर में महार नहीं होना चाहिए।
इतनी तमीज़ आपको होनी चाहिए। मैं अगर पीटीआई का एक स्पोक्स पर्सन होने की हैसियत से यहाँ पे आया हूँ तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन पैदा करें। को इतना बेलगाम नहीं होना चाहिए, मीडिया को तमीज करनी चाहिए। फयाजुल हसन चौहान सहाफी के सवाल पर सीख पा हो गए, गुस्से में सवाल का जवाब दिए बगैर गाड़ी की जानिब चल पड़े। नाराज सहाफियों का चौहान की गाड़ी का घेराव करके एहतजाज, फयाजुल हसन चौहान की तरबियत में कमी रह गई है, सहाफियों से बदतमीजी की मजम्मत करते हैं। बीपी रहनुमा हसन मुर्तजा की गुफ्तगू। कोट लखपत जेल में मरियम नवाज की अपने वालिद से मुलाकात, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात आधा घंटा जारी रही। मरियम नवाज अपने वालिद के लिए खाना और ड्राई फ्रूट भी लाई। नवाज शरीफ का मौसम के बायस थोड़ा सा गला खराब, मामूल का चेकअप, तिबी इमदाद दी गई। जेल हुक्काम नवाज शरीफ के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई, जेलें महफूज हैं, कैदी कैदी होता है चाहे वो जिस जुर्म में भी आया हो। शहबाज शरीफ जब आएंगे तब देखेंगे इन्हें कहां रखना है। सुबाई वजीर जेल खानाजात, जवार हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। आईजी जेल खानाजात के दफ्तर में कैदियों में हेपेटाइटिस के इलाज के लिए मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन नरबों रुपए मालियत के असासों के मालिक निकले शेख जफर इकबाल, फ्लोर मिल्स, राइस मिल्स, पेट्रोल पंप्स और सीएनजी स्टेशंस के मालिक हैं। आमदन से जायद असासाजात कैसे बने, तब नैब ने पूछगिछ शुरू कर दी। जायदादों का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मुतलका इदारों को मरासला लिख दिया। सुंदर के इलाके में घरेलू झगड़े पर खातून की खुदसोजी की कोशिश, 35 साल मारुख ने खुद को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। खातून के जिस्म का 20% हिस्सा झुलस गया, रेस्क्यू टीमों ने जख्मी खातून को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और बंद रोड पर ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तारी के बाद कार और मोटरसाइकिल में तसादुम, हादसे के नतीजे में एक शख्स शदीद जख्मी, जख्मी को तफ्तीशनाक हालत में मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।